और असेक्सुअल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डीलिंग विद द रिप्रोडक्शन थिंग, ओके। अभी हम सेक्सुअल और असेक्सुअल तक नहीं पहुंचे हैं, स्टिल योर 50% पार्शियली करेक्ट। तो सबसे पहला जो हमारा काउंटर पॉइंट मिल गया बच्चा, जैसे कि भी आयुष जी ने कहा कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, बराबर सारे के सारे लोग एग्री करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने कुछ ऐसे कपल सुने जो कि नॉन फर्टाइल होते, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस? हम लोग IVF वगैरह यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सुने हो कभी? टेस्ट ट्यूब बेबी एंड ऑल, राइट? तो आप बताइए मुझे बच्चा लोग, अगर रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ऐसे भी तो कुछ लोग हैं ह्यूमन बींग्स दैट आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है? समझ में आया व्हाट इज द पॉइंट? इस तरीके से वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, ओके। रिप्रोडक्शन डेफिनेटली इज द पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, बट वी कैन नॉट सी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके, बिकॉज देर आर सम कपल्स जो कि नॉन फर्टाइल होते, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, स्टिल दे आर काउंटेड इन लिविंग थिंग्स। ऐसा तो नहीं आप बोलोगे ना कि दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आया सबको? ओके, सबको क्लियर ये पॉइंट बच्चा लो? नाउ नेक्स्ट, और कोई मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर बताइए। अब रिप्रोडक्शन तो हम समझ गए, सॉरी, डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सकते हैं। ओके, ग्रोथ, ओके, सो नेक्स्ट इज ग्रोथ। क्या नाम है बच्चा आपका? आदित्य। आदित्य, ओके मिस्टर आदित्य। अरे मेरी शेरनिया, आप लोग भी कुछ बोलोगी कि नहीं? रेस्पिरेशन, हाँ, बारी बारी से हम लोग एक एक पॉइंट लेंगे, लेकिन आई वांट एकदम थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए, ओके? आई डोंट वांट डल आंसर्स, जो भी आंसर दे रहे हो जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर्स, ऐसा तो सोचो एक एक कैरेक्टर बच्चे, एक एक कैरेक्टर, वी विल डील विद वन वन कैरेक्टर। जैसे अभी रिप्रोडक्शन का हमने देखा, काउंटर क्वेश्चन किया, ओके, नाउ वी अंडरस्टूड इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिकॉज ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट वन, जैसे कि किसने, आयुष ने कहा ना ग्रोथ, आदित्य, यस मिस्टर आदित्य ने कहा कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, बराबर। अब मुझे आप ये बताओ, एक एक कैरेक्टर बच्चे, एक एक कैरेक्टर, होल्ड ऑन, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस डिस्कशन, हम लोग ग्रोथ के ऊपर करेंगे। तो अब जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग, अब मुझे बताओ आप लोग, माउंटेन्स वगैरह सबने देखा है, राइट? अगर आप इनिशियली देखते हो तो माउंट एंड बिल्डर्स जैसे कि होता है, सो इनिशियली इट इज लाइक, जैसे जैसे उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होता है ना बच्चे लोग, इट ऑल्सो शोज ग्रोथ, राइट? अब जैसे अगर आप कोई भी चीज पे, कोई भी चीज एक्यूमुलेट होते जाएगी, एक्यूमुलेशन मतलब समझते हो, कोई भी चीज इकट्ठा कंटिन्यू बढ़ते जाना, ओके, तो वहां पे वो चीज भी आ रही है आपकी ग्रोथ के अंदर, यस और नो? ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है आप मुझे बताओ? नथिंग बट इंक्रीज इन साइज, राइट? इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ, यस और नो? साइज बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, आप छोटे हो मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी बड़ी हो जाती है इसका मतलब आपका ग्रोथ हुआ, ऐसी कंसिडर करते हैं ना हम ग्रोथ, यस। सो यहाँ पे तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स है बच्चा लोग, जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखा रहा है, जैसे कि माउंट एंड बिल्डर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे कैसा हो रहा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट? एक्यूमुलेशन मतलब चीजें ऊपर क्या हो रही है, माउंट्स एंड बिल्डर्स में दे आर एक्यूमुलेटिंग। अभी जैसे मैंने यहाँ कहा स्टार्टिंग में, इनिशियली दे आर दिस मच, बट उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते होते वो आपको बाद में कैसा दिखेगा, इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे भी इंक्रीज इन साइज दिखा, मिस, लेकिन वो खुद से थोड़ा ना हुआ है। हाँ, that is the point. ओके, ये आपने सही कहा, वो मैं next बोलने वाली थी, लेकिन ये सबको इतना समझा? Yes, तो अगर ग्रोथ हो भी रहा है तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट, द ग्रोथ शुड बी इंटरनल, समझ में आया? अभी जो हमने यहाँ पे ग्रोथ लिया दैट वॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन कहाँ से हो रहा है, एक्सटर्नली, राइट? Yes. So growth should be from internal. समझ में आया बच्चा लोग? Yes, clear है? Okay. और कौन से characters बता रहे थे आप लोग? Movement और locomotion. Okay, that is also very good. Locomotion भी हम लोग consider कर सकते हैं living things. कोई भी ऐसे non living thing है जो locomotion दिखाता है?
अब मुझे एक बात बताओ, लोकोमोशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस। तो यू आर सेइंग कि ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आर यू श्योर? नो नो नो। व्हाई? प्लांट्स डू नॉट मूव। यस एग्जैक्टली, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, बट वो लोकोमोशन दिखाते हैं क्या? नो, दे कैन नॉट मूव। दैट इज अ पॉइंट। समझ में आया आप लोग को? सो हियर वी आर टॉकिंग, अगर हम लोग वैसे नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स का तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बट नाउ मिस नॉन लिविंग थिंग भी लोकोमोशन है ना? जैसे कि क्या बच्चा? मिस अगर समझो अभी स्टोन को उठा के दूसरी जगह रखा तो वो भी लोकोमोशन ही हुआ ना? तो बच्चा आप उठा के रख रहे हो ना, लोकोमोशन मतलब क्या होता है? खुद से मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा हां हां ओके क्लियर। ओके हां यस मिस। सो हियर वी आर डीलिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझते हो बच्चा लोग क्या होता है? When we are talking about characteristic feature, मतलब ऐसा जो सिर्फ उसी में मिले। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब वो उसी में मिलता है, बाकी की चीजों में कॉमन नहीं है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अब इसमें से एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। आई डोंट नो आपने नाम सुना है कभी या नहीं, मेटाबॉलिज्म। यस मिस। यस। डू यू नो व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म? एनी आइडिया बच्चा लो? यस तो यस नो। जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद होते हैं। अच्छा, आप जब खाते हैं उसके बाद होते हैं, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म जो होता है, इट इज ऑल द जनरल रिएक्शंस इन योर बॉडी। आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, इट कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। अब वो ऐसा नहीं है कि जब आप खाते हो तभी होता है, बिकॉज़ नेचर के हिसाब से चेंज होता है। क्या नेचर के हिसाब से चेंज होता है? आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है ना, आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, सो अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म इट इज इक्वल्स टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इसके पहले सुने हो कभी नाम? ठीक है, अभी हम लोग एक एक चीज डील करेंगे। जो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑल द जनरल रिएक्शंस ऑकरिंग इन योर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। आपने खाना खाया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ डाइजेशन का, बराबर। आपने एयर इनहेल किया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, एक्सचेंज भी होता है ना O2 CO2, यस और नो? ओके, तो मेटाबॉलिज्म मतलब आपके बॉडी में जितने भी जनरल रिएक्शंस हो रहे हैं, सारे के सारे टाइप्स के रिएक्शन कम अंडर मेटाबॉलिज्म। नाउ जनरली मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अभी जैसे कि हमारे एक फ्रेंड ने आंसर दिया हमको कि जब हम खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है, राइट? सो उसमें से मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो अभी दोनों होता क्या हम वो देखते हैं। अभी देखो, जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमको बताया, आप जैसा इतना बड़ा चपाती अगर खा रहे हो तो एज इट इज चपाती बाहर निकलती है क्या? नो, राइट? तो सबसे पहले आप इसको क्या करते हो, आप पहले इसको पीसेस में कट करके खुद खाते हो, खाने के बाद आप इसको च्यू करते हो, बराबर। तो इट इज कन्वर्टेड इंटू फ्रेगमेंट्स, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है, यस और नो? Yes. Okay. So, सबसे पहले बच्चा लोग कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब काटना, ओके? कैटा मतलब काटना, मतलब कोई भी चीजें कट हो रही है। तो कैटाबॉलिज्म में अल्टीमेटली क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हो, जो भी फूड खाते हो, जैसे अभी हमने देखा पूरा का पूरा चपाती आप खाते हो तो वो कैसा, वैसा ही नहीं निकलता। इट इज ब्रेक इंटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन होता है, राइट? Yes, please. तो अल्टीमेटली बच्चा लोग कैटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द कटिंग ऑफ बिग फ्रेगमेंट इनटू स्मॉल वन। समझ में आया? दिस इज योर कैटाबॉलिज्म। एक बड़े पार्ट का ब्रेकेज करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, जिसमें आपका कटिंग होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया डाइजेशन, आप जो भी खाना खा रहे हो इट इज कन्वर्टेड इंटू मेनी स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट। समझ में आया? Yes, yes. Okay. सबको क्लियर है कैटाबॉलिज्म बच्चा लोग?
कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन, नो इश्यू. ओके, बट डाउट आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो. जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी. ओके, सो नेक्स्ट बच्चा लोग इज एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज नथिंग बट अगेंस्ट टू इट, मतलब जस्ट अपोजिट टू इट. तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक वन लार्ज मॉलिक्यूल. मतलब यहाँ पे होता है एडिशन. समझ में आ रहा है? यस यस. हियर द मॉलिक्यूल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है दे आर एडिंग टू गिव वन लार्ज मॉलिक्यूल. और कैटाबॉलिज्म में वन लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. समझ में आया? अब जैसे आपको पता है आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट है. तो प्रोटीन्स भी बॉडी में बनता है ना बच्चा लोग. प्रोटीन्स कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट? तो एनाबॉलिज्म में हम एक अमाइनो इसका प्रोटीन का भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो एनाबॉलिज्म वगैरह सबको समझ में आया? यस मिस. ओके, सो लिविंग थिंग्स का जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चा लोग, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म. ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है. समझ में आया? क्योंकि जनरली आपके बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे इट ऑकर्स ओनली इन लिविंग बींग. तो हमको पहला कैरेक्टर मिल गया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में से, जो लिविंग थिंग्स है उनका फर्स्ट कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म. आप लोगों ने अभी तक कुछ लिखा नहीं ना नोटबुक में? No, चलो फटाफट अभी लिविंग वर्ल्ड हेडिंग दो, आज का डेट डालो. हम लोग कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे. आपको ऑलरेडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड की गई है, राइट? यस. वी विल जस्ट राइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो होते हैं हम लोग सिर्फ वो लिखेंगे. मैं एनाबॉलिज्म एक बार वापस समझाओ ना. ओके, सो एनाबॉलिज्म मतलब ये होता है कि जहां पे आपका स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एडिशन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, छोटे छोटे को मिला के एक बड़ा बन रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिला के आपका बड़ा प्रोटीन बनता है. समझ में आया? यस मैम. कैटाबॉलिज्म में एक बड़े पार्ट के टुकड़े हो रहे, एनाबॉलिज्म में टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा पार्ट बन रहा है. ओके, सबको क्लियर है बच्चा लोग? यस मैम. ओके, तो सबसे पहले आपने लिविंग वर्ड हेडिंग दिया. ओके, तो वहां पे सबसे पहले आप ये लिखोगे कि अल्टीमेटली जो आपका लिविंग वर्ल्ड है या फिर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको मत दो. ओके, ठीक है, अर्थ को लिखो यहाँ पे. अर्थ इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली, वेरी गुड. एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग. तो जनरली आपका जो अर्थ है बच्चा लोग वहां पे दोनों थिंग्स आर कंसिडर. आपका बायोटिक लिविंग थिंग्स भी इन्वॉल्व है एज वेल एज अबायोटिक थिंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. ओके, दैट इज डन. यस यस मिस. ओके, नाउ गिव द हेडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. रिप्रोडक्शन. ओके, बट कैरेक्टर लिखते वक्त हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही लिखेंगे, डिस्कस सारा कुछ करेंगे. जैसे कि वी आर डन विद दिस टू, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, राइट? जैसे रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कशन ये ऑलरेडी देखा कि जो इनफर्टाइल कपल्स है दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस टिल दे आर लिविंग थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे एक जनरली एक डिबेट किया गया है कि सारे चीजों को कंसिडर करके हमको उसको डिस्टिंग्विश करना है. ओके, तो अभी आपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में जो हेडिंग दिया है उसमें से फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म लिखे बच्चा लोग? Yes, yes, yes. Yes, डाल के आगे डेफिनेशन लिखो. ऑल द फिजिकल रिएक्शंस, ऑल द फिजिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन साइड द बॉडी, ऑकरिंग इन साइड द बॉडी
is called as metabolism. Done? Yes, miss. उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. और जहां पे आप कैटाबॉलिज्म लिखे हो वहां पे ये डायग्राम बना लो कि तो आपको बाद में कैसे याद रहेगा. एक बड़े मॉलिक्यूल इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एनाबॉलिज्म के नीचे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एडिशन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है. So bachcha log, we are done with metabolism, we are done with growth, we are done with the reproduction. Now ek aur process hai, jaise ki growth and development jab hum baat karte hain, agar aapke body mein growth start ho rahi hai, jaise consider karte for an example ek bachcha hai, okay, ab wo bachche ka growth ho raha hai to jaise jaise time pass hoga uska aging bhi hoga, right? Yes, because yes, no yes, life yes, is immortal. Immortal मतलब समझते हो कभी ना मरने वाला. Okay, so everything is mortal except single cell organism. So हम बाद में देखेंगे. So कोई भी चीज immortal नहीं है single cell organisms को छोड़ के. तो we know अगर ये बच्चा का growth हो रहा है development हो रहा है तो बाद में क्या होने वाला है death भी होने वाला, right? Yes. तो basic principle of life में हमने growth देखा reproduction देखा. Next one is aging process. Aging मतलब सबको पता है, right? Yes. Growth yes, और development के बाद जैसे जैसे time pass होगा वैसे वैसे आपकी body कैसी होगी aging process के towards बढ़ेगी और ultimately which results towards death, right? अब जब death होगा पुराने organisms का तभी तो आपके नए organisms form होंगे, correct बच्चा लोग? लाइफ को कंटिन्यूसली नए नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना है. दैट्स व्हाई इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू विच प्रोसेस एजिंग प्रोसेस. अच्छा अगर नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ करना है बच्चा लोग तो कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? यस एग्जैक्टली. एजिंग तो है ही, एजिंग से हमको क्या मिल रहा है डेथ मिल रहा है, राइट? तो लाइफ को कैसे करना है, लाइफ हैज टू बी कंटिन्यू, बराबर. तो जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए एजिंग बहुत यूजफुल है, मतलब बहुत नेसेसरी है, तभी जाके उनका डेथ होगा और नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, राइट? सो एजिंग एज वेल एज रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस. समझ में आया? Yes, miss. Yes, so अगर हमको अर्थ को मतलब कोई भी प्लेनेट है हमको उसको वेल डेवलप बैलेंस रखना है. अब जस्ट इमेजिन अगर ये एजिंग प्रोसेस नहीं होता, लोग डाई नहीं होते, मतलब मरते नहीं, डेथ नहीं होती, तो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन कहाँ का कहाँ होता, राइट? कंटिन्यूसली रोज नए नए इतने सारे बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और फिर तो स्कैरसिटी हो जाती है ऑलमोस्ट. कोई भी चीज किसी को सफिशियंट नहीं मिलता, सारे के सारे लोग इमॉर्टल होते तो अर्थ कैसा होता, डिसबैलेंस हो जाता कोई भी प्लैनेट, राइट? बिकॉज देयर इज लिमिटेड वाटर लिमिटेड ऑक्सीजन. यस और नो, एग्री करते हो आप लोग? ठीक है. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में वी आर डन विद मेटाबॉलिज्म, ऑल दिस आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ. अब इसके अलावा बच्चा लोग और एक आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दैट इज any idea, any guesses? Respiration. Bolo. Respiration. Okay. Respiration. Expiration, respiration, सब तो एक ही में आ गया ना. Inspiration, expiration is equals to respiration. No idea, बताओ. Organic system. Sorry, which system? Organ system. Organ system is the unique feature of living things. ऐसे बोल रहे हो आप? Okay. Okay, मैं आप लोगों को बताती हूँ बच्चा लोग.
द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. आप मुझे एक चीज बताओ, अभी जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे आप टेबल या चेयर कंसिडर कर लो, ठीक है, तुम उसको कितना भी मारो रिवर्ट में तुमको रिस्पॉन्स देगा? No. अभी यही तुम किसी लिविंग में अपने किसी फ्रेंड को मारो, एक झापड़ मारो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, दो झापड़ मारो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, तीसरे में तो तुमको दे ही देगा ना रख के वापस. ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल changes in surrounding. समझ में आया? Yes, miss. किसी भी living things को कोई भी उसमें चाय गरम डाल दो, कुछ भी, मतलब उसको हीट प्रोवाइड करो, उसके ऊपर आइस रख दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वो आपको पलट के कुछ बोलेगा क्या? अरे मुझे ठंडा लग रहा है, अरे मुझे गर्म लग रहा है. कुछ रिस्पॉन्स नहीं. Yes, obviously, आपके ऊपर मैं गर्म चाय रखू तो आप एक्सप्रेशन नहीं दोगे. You will give response, yeah. right? Yes, ice, अगर मैं आपका हाथ आइस में डाल दू तो then also you will give response. अब जैसे for example, अगर आप इसमें किसी animal को भी अगर आप उसको मारोगे पीटोगे तो आपको response तो मिलेगा ना, it will show something. In fact, अगर आप plants की भी बात कर लो, अगर आप plants में भी एकदम गरम गरम कोई चीज डालते तो आप लोग देखते हो plant भी die हो जाता है. Chemical वाला कुछ चीज extreme आप provide कर दोगे तो it will die. जैसा वो ब्लॉसम, जैसा वो फ्लावर कर रहा था वो वैसा नहीं होगा. तो इट इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स. अब प्लांट के पास हमारे जैसा हाथ पैर तो है नहीं कि वो तुमको मारेगा या फिर मुंह से कुछ बोलेगा, राइट? तो वो रिस्पॉन्स में क्या दिखाएगा बेचारा? उसके जो लीव्स वगैरह, आइदर इट विल फॉल और जो के प्लांट है आपका पूरा का पूरा वो डाई हो जाएगा. समझ में आया? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंजेस इन द सराउंडिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर लिविंग थिंग्स. ओके, तो आप लोगों ने जहाँ पे मेटाबॉलिज्म लिखा बच्चा वहां पे लिखिए इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. यहाँ पे लिखे थे आप मेटाबॉलिज्म में? यस मैम. ओके, तो देन सेकंड पॉइंट ये भी लिख लो, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंजेस इन सराउंडिंग इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स. सबको समझ में आ रहा है? किसी को बाउंसर जा रहा है लेक्चर? नो मिस समझ आ रहा है. सब खा पी के बैठे हो ना? यस मिस. ओके, तो थोड़ा सा बी एक्टिव. ओके, यस मिस. डन? यस मिस. यस मिस. ओके, अब इसमें से बच्चा लोग एक जो एक्सट्रीम मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की, ओके, लिविंग बींग्स की, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियस होते हैं ना? यस मिस. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस. ओके, दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स, जो खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं. थोड़ा सा भी मतलब वो होगा तो इमिडिएटली इट विल शो रिएक्शन. ओके, सो नेक्स्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस के आगे लिखो बच्चा लोग, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. Yes, miss. Done? Yes. Okay. अभी होमवर्क में आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं. जैसे कि अभी हमने कहा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स, अगर आप कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कुछ ना कुछ, राइट? दैट इज कॉल्ड से रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंजेस या फिर यू कैन ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो अभी आप लोगों को ये पता है पर्सन जो कोमा में होते हैं कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा? नहीं. तो अकॉर्डिंग टू यू दे आर डेड और लाइव? मिस, अलाइव. मिस, अलाइव. अलाइव.
कैसे वो अलाइव हुए बच्चा? हाँ बच्चा बोलो मिस। जैसे कि मतलब बहुत लोग ऐसा वो रहता है ना मेंटली थोड़ा पागल है, तो उन लोगों को भी नहीं मालूम पड़ता ना कि उनको मारेंगे तो उन लोगों को भी नहीं मालूम पड़ेगा ना। जो पागल लोग को तुम मारोगे तो वो तो तुमको बदले में ज्यादा मारेंगे, क्यों नहीं पता चलता? नहीं मिस, अगर मतलब उनके ब्रेन तक वो चीज पहुंचती नहीं है तो दैट इज ओनली वी आर टॉकिंग ना, ब्रेन डेड मतलब वही कोमा में। ऐसे पागल लोग को तो देगी रिस्पॉन्स, अगर आप उनको मारोगे पीटोगे तो वो तो बहुत ही चिल्लाते हैं। डिपेंड करता है ना जो पागल की आप बात कर रहे हो। टेकिंग द ब्रेथ बट दे आर नॉट रिस्पोंडिंग टू द इफेक्ट्स ऑन देयर बॉडी। कौन? द पर्सन इज लाइक इन कोमा, राइट? यस। ओके, बट अल्टीमेटली आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे, लिविंग में करोगे या नॉन लिविंग में करोगे? बिकॉज हमने सेल्फ कॉन्शियसनेस और या फिर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फीचर को वी आर कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? लेकिन जो आपके कोमा वाले पेशेंट होते हैं वो आपको रिस्पॉन्स तो देते नहीं है, बट उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलती होती है, राइट? जनरली द पेशेंट्स इन कोमा आर ब्रेन डेड पर्संस, ब्रेन डेड, इनका जो ब्रेन होता है वो डेड होता है, जिसके वजह से दे आर अनेबल टू गिव रिस्पॉन्स। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, आप लोगों के लिए आज का ये होमवर्क है कि यू हैव टू फाइंड कि ये जो पेशेंट्स होते हैं कोमा में दे आर डेड और अलाइव। होमवर्क का क्वेश्चन फटाफट लिख के लो सारे लोग, होमवर्क सबका चाहिए। ओके मिस, ब्रेन डेड के बारे में ढूंढना है? नहीं नहीं बच्चा, जो कोमा में पेशेंट्स है ना वो आप लिविंग बीइंग में कंसिडर करोगे या नॉन लिविंग थिंग में, सिर्फ उतना आपको फाइंड आउट करना है। मिस मींस जो कोमा में होते हैं उनके ब्रेन को वो सिग्नल नहीं जा पाता ना, क्योंकि बॉडी को यस बिकॉज़ दे आर ब्रेन डेड, यस दे आर ब्रेन डेड, सिग्नल नहीं जा पाता, जिसके वजह से उनका ब्रेन आपको रिटर्न में सिग्नल नहीं दे पाता है कि आपको रिस्पॉन्स देना है। अभी हमको ये सारा सिग्नल्स ब्रेन देता है बिकॉज वी नो ब्रेन इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी, राइट? हमारे बॉडी में ब्रेन पूरा का पूरे पार्ट्स को आपके बॉडी के कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं ना उनका जो ब्रेन होता है इट इज डेड, तो जब ब्रेन ही आपका डेड है, जो आपका पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म जो भी बॉडी के पार्ट्स है उसको कोऑर्डिनेट जो करता है वही डेड है, तो आप रिस्पॉन्स कैसे दोगे? सो द क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क इज जस्ट लाइक कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऐसे पेशेंट्स लिविंग बीइंग होते हैं या नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है? यस मिस। डन बच्चा लोग, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस मिस। तो हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? थ्री। कौन से कौन से? मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। वेरी गुड। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आप लोगों का? बड़ा मॉलिक्यूल बनता है या छोटा मॉलिक्यूल छोटा बनता है? बड़ा मॉलिक्यूल छोटा बनता है कैटाबॉलिज्म में? यस मिस। और एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है? ओके वेरी गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हर्बेरियम। सुने हो बच्चा लोग इसके पहले कभी? नो मिस। ओके दिस इज फर्स्ट टाइम, राइट? ओके म्यूजियम गए हो कभी आप लोग? यस म्यूजियम के बारे में सुने हो कभी? आइडिया कैसा होता है? यस मिस। ओके तो जनरली हर्बेरियम क्या होता है बच्चा लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड हर्बेरियम है ना इट वॉज कॉइंड बाय पिटॉन डी टॉनफर्ट। ओके जिन्होंने एक बुक ऑफ एलिमेंट्स में चीजों को वो किया। अब हर्बेरिया जनरली होता क्या है? इट इज द की टूल फॉर स्टडी ऑफ द प्लांट्स। आपके जो जनरली छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनको कॉम्प्रेस किया जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, और एक ये आपका जैसे बुक का पेज है, ओके नॉर्मल पेपर, ठीक है? yes, तो पेपर में आपके प्लांट्स को पहले तो सुखाया जाता है, ओके ड्राई करने के बाद में जो भी प्लांट्स है उनके स्पेसिमेन को प्रेस किया जाता है, मतलब चपटा, समझ रहे हो?
प्रेस करके उसके बाद में उस स्पेसिमेन को प्रेस करने के बाद में स्टैंडर्ड साइज, दिस इज कॉल्ड एज वन स्टैंडर्ड साइज, और इसमें उस प्लांट को स्टिक कर दिया जाता है। फिर समझा नहीं, फिर से बताओ। नहीं समझा। ओके ये समझा, ये पेपर है एक। तो जनरली हर्बेरियम क्या होता है बच्चा लोग, वहां पे आपका जो भी प्लांट्स है ना उसको तोड़ के ड्राई किया जाता है। स्पेसिमेन समझते हो? Yes, मतलब yes, अलग yes, अलग टाइप की प्लांट्स की जो वैरायटीज होती है, स्पेसिमेन होते हैं। हाँ स्पीशीज यू कैन से, यस। तो वैसे स्पेसिमेन को, स्पीशीज को लेके उसको पहले ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाए करने, सुखाने के बाद में कॉम्प्रेस समझते हो, चपटा करना, प्रेस करना। yes, तो उसको कॉम्प्रेस किया जाता है। कॉम्प्रेस करने के बाद ये जो पेपर है ना आपका, नॉर्मल जैसे बुक का पेज होता है ना वैसे एक शीट होता है जिसको स्टैंडर्ड शीट कहते हैं, इसमें आपका वो प्लांट चिपकाया जाता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब इसके पीछे का रीजन ये है बच्चा लो कि जो ऐसे स्पेसिमेंस होते हैं ना जो जनरली कहीं नहीं मिलते, टू स्टडी द कैरेक्टर ऑफ दैट प्लांट। समझ में आया? अब जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि कितने टाइप के स्पेसिमेंस है ये प्लांट के, तो आप नहीं बता पाओगे, राइट? तो इट इज जनरली यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी टू आइडेंटिफाई द प्लांट। जहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिमेंस मिल रहे हैं ना, वहां से उनको कलेक्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और इस शीट पे स्टिक कर दिया जाता है। समझ में आया? सबको समझ में आया? तो अल्टीमेटली इट इज यूज फॉर द स्टडी। अब जैसे आप म्यूजियम विजिट करते हो तो म्यूजियम में कोई ऐसा लाइव एनिमल्स देखने मिलता है क्या आपको? नो, ऑल एनिमल्स आर डेड, राइट? इन हर्बेरिया, हर्बेरियम में क्या होता है बच्चा लोग, आपके जो भी प्लांट्स है ना वहां पे कैसे किए जाते हैं, ड्राई होते हैं, कॉम्प्रेस किया जाता है, कॉम्प्रेस करके स्टिक किया जाता है। स्टिक करके यहाँ पे चिपकाया दिया जाता है और वहां तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, जैसे कि यू कैन सी अभी उसको डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो इसको आप रिमेम्बर कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे, कहाँ, डेट कब, कहाँ, किसने, ओके? दिख रहा है बच्चा लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैंडर्ड साइज का पेपर है, उसमें क्या किया है, प्लांट को स्पेसिमेन जो भी है प्लांट के लिया है, उसको ड्राई किया है, ड्राई करके कॉम्प्रेस करके स्टिक कर दिया गया है। अभी भी नहीं समझा क्या? समझा। अच्छा टेक्स्ट बुक है सबके पास? यस। ओके, पेज नंबर 2 में 1.1 का डायग्राम दिख रहा है, फिगर आप लोगों को? yes. देखो वहां पे वो नॉर्मल पेज है, पेज पे उसको स्टिक किया हुआ है प्लांट, ध्यान दो। मिस मतलब उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ना? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज यूज फॉर द स्टडी पर्पस, वही आपको बोल रही हूँ ना मैं। जैसे कोई भी नया वेराइटी स्पेसिमेन मिल रहा है ना, तो उसको निकाल के उसके इन्फॉर्मेशन इसमें, ये जो शीट है स्टैंडर्ड साइज का, यहाँ पे जैसे आपका प्लांट, आप जब स्कूल में तो देखो हम करते थे एक ऐसा शू फ्लावर वगैरह जो है उसको स्टिक करके उसके कैरेक्टर्स हम लिखते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्टैंडर्ड साइज ऑफ द पेपर, ओके? सो यहाँ पे समझ लीजिए आपका फ्लावर है, मतलब प्लांट है, ओके? सो यू विल जस्ट डू वन थिंग, आप इसको ड्राई कर रहे हो, ड्राई करने के बाद यू विल कॉम्प्रेस इट, यू विल प्रेस इट एंड देन स्टिक ऑन दिस पेपर। अब इस पेपर में स्टिक करने के बाद बच्चा लेबल कैसे हम यूज करते थे, लेबल इज कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो स्टैंडर्ड साइज का, यहाँ से आपका एक लेबल होगा, उस लेबल में सारा सारा चीज लिखा होगा कि इसको कब, कहाँ, किसने कलेक्ट किया इस प्लांट को, ओके? समझ में आया? सो डेट मीन्स कब, कहाँ मीन्स प्लेस ऑफ कलेक्शन, किसने किया मतलब कलेक्टर्स नेम। अब इसके अलावा बच्चा लोग इसमें जो होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट के कैरेक्टर्स भी होते हैं। आपको इतना सबको समझ में आया? इट इज जनरली यूज फॉर द स्टडी पर्पस, मतलब इंफॉर्मेशन लेने के काम आता है ये, ओके? इंफॉर्मेशन लेने के लिए इट इज यूज होता है। अब जैसे कि
आपको ये पता है बच्चा लोग कि लोकल नेम और बोटैनिकल नेम में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? सुने हो इसके पहले कभी? ओके, मैं आपको बताती हूँ. अभी आप लोगों का पेट नेम होगा घर का कुछ ना कुछ, राइट? सबका पेट नेम है. सो जनरली यहाँ पे भी सेम बच्चा लोग. अभी आपको पता है मैंगो को आप मैंगो प्लांट बोलते हो ना. कहीं आप यूएस वगैरह में चले जाओगे और बोलोगे कि हाँ मुझे मैंगो प्लांट चाहिए, तो उनको ना समझ में नहीं आएगा कि व्हाट डज इट मैंगो, बिकॉज मैंगो इज द कॉमन नेम इन आवर इंडिया. समझ में आ रहा है? जैसे आप लोगों का घर का पेट नेम अलग होता है और ऑफिशियल नेम अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ तो समझ लो उसका घर पे नाम रिंकी है, ओके, या फिर चलो चिंकी है, ठीक है. पेट नेम क्या है उसका? चिंकी है. किसी के बैकग्राउंड से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट योर माइक, ओके. सो इनका पेट नेम इज चिंकी एंड द ऑफिशियल नेम इज, चलो कंसीडर कर लो, श्वेता है, ठीक है. अब श्वेता के स्कूल में सारे लोगों को पता है कि श्वेता कौन है, राइट? अब समझ लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने चिंकी के घर से कॉल किया और बोल रहा है कि हाँ फोन चिंकी को दे दो, तो श्वेता के स्कूल में समझ में आएगा क्या चिंकी कौन है? No. तो दिस इज द कॉमन नेम, ओके, वेयर एज श्वेता इज द ऑफिशियल नेम. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, कॉमन नेम या मतलब इट इज अ लोकल नेम, ओके. और बोटैनिकल नेम कैसा होता है बच्चा लोग? इट इज द ऑफिशियल नेम जो कि आप कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो इज द लोकल नेम और यू कैन से कॉमन नेम. इसका अगर आप बोटैनिकल नेम देखोगे सो दैट इज वेरी डिफरेंट. यस, मैंजीफेरा, यस, एग्जैक्टली. सो द बोटैनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, ओके. अब इसमें से मैंजीफेरा क्या बच्चा लोग? इट इज जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम? स्पीशीज है, जेनेरिक है, कंफर्म कर लो. जेनेरिक है, यस, एग्जैक्टली. द नेम ऑफ बोटैनिकल, कोई भी आप बोटैनिकल या जूलॉजिकल नेम लिख रहे हो तो जनरली इट कंसिस्ट ऑफ टू, द जेनेरिक नेम एंड द स्पीशीज नेम. सो ऑलवेज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस द नेम इज जेनेरिक नेम, ओके. जीनस नेम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. जैसे कि हियर यू कैन सी मैंजीफेरा इंडिका, फर्स्ट लेटर इट इज कैपिटल, राइट? यस मिस. वेयर एज द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स. दिख रहा है सबको? यस. यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हर्बेरियम बच्चा लोग, सो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा इंफॉर्मेशन प्लांट्स के कैरेक्टर्स, लोकल नेम एज वेल एज बोटैनिकल नेम. सो इट इज यूज फॉर द स्टडी पर्पस. नाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर कि कौन से प्लांट्स का लोकल नेम क्या है और बोटैनिकल नेम क्या है, राइट? अब जैसे मैंगो का आपको पता चला, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है जिसका बोटैनिकल नेम इज डिफरेंट, यस और नो? ओके, तुलसी का पता है किसी को साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी? ओसिमम सैंक्टम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी. समझ में आया? तो ऐसे ही स्टडी करने के लिए इस हर्बेरियम में प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके स्टिक किया जाता है और इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमको काम आता है. जैसे आपको किसी भी प्लांट के बारे में स्टडी करना है तो आप हर्बेरियम में जा सकते हो ना, बहुत सारे ऐसे शीट्स प्रेजेंट होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, अब इसको ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आपको जो भी प्लांट की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना फटाक से मिल जाए. अब अगर यही प्लांट के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहीं नॉर्मली, अभी समझो अगर इसको शीट में रखने की जगह है, डायरेक्ट अगर प्लांट ग्रो करते तो 100 प्लांट ग्रो करने के लिए कितना ज्यादा स्पेस चाहिए रहता, राइट? 100 प्लांट ग्रो करने के लिए और उसके इन्फॉर्मेशन के लिए. लेकिन जब यही आप शीट में प्रिजर्व करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 100 शीट आपका कितना, इतना ज्यादा मतलब साइज आता, बराबर? और वहां पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन भी. तो इट इज इजी टू हैंडल एज वेल एज इजी टू यूज. इसीलिए हर्बेरियम इज द हब ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपको प्लांट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आपके प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके कंप्रेस करके पेपर में चिपका के इन्फॉर्मेशन सारा का सारा लिखा रहता है जिसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो. आई होप सबको समझ में आया बच्चा लोग. यस मिस. यस मिस. क्लियर है? यस मिस. सो हर्बेरियम बच्चा लोग हेडिंग दो. डन.
यस ओके वहां पे नीचे लिखो द प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड डी आर आई ई डी आर ड्राइड कॉमा प्रेस कैन यू रिपीट अगेन द स्पेसिमेंस ऑफ द प्लांट्स आर ड्राइड डी आर आई ई डी ड्राइड कॉमा प्रेस्ड पी आर ई डबल एस ई डी बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा है बच्चा लोग प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन माउंटेड मतलब समझते हो मतलब इसको फिक्स किया जा रहा है ओके एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट टू प्रिजर्व इट स्टैंडर्ड साइज शीट टू प्रिजर्व इट डन मिस एक बार फिर से ओके द स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स आर ड्राइड कॉमा प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट टू प्रिजर्व इट डन यस मिस ओके सो बेसिकली बच्चे लोग प्रिजर्वेशन समझते हो ना एनीथिंग टू प्रिजर्व मतलब ऐसे yes, भी कुछ प्लांट्स है हमारे पास जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एक्सटिंक्ट मतलब समझते हो दे आर ऑलमोस्ट टू खत्म होने के कगार पे आ गए तो ऐसे प्लांट का अगर फ्यूचर में हमको स्टडी करना रहेगा राइट एक्सटिंक्शन प्लांट के तो ये प्लांट्स तो तब तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा दैट्स व्हाई द प्लांट स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन दिस वे समझ में आया इनको प्रिजर्व किया जाता है अब एक स्टैंडर्ड साइज का पेपर मतलब जितने भी प्लांट्स है ना बच्चा लोग सारे के सारे सेम साइज के पेपर में ही होते दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड अब ऐसा नहीं कि आपका एक प्लांट इतने बड़े साइज के पेपर में किया तो दूसरा इतने बड़े में स्टिक कर देंगे समझ में आया तो एक स्टैंडर्ड साइज का पेपर है जहां पे आपका सारा का सारा प्लांट क्या कर रहे हैं ड्राई करके उसको माउंट कर रहे हैं फॉर द प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में जो भी जनरेशन होगा अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चीज प्लांट्स के बारे में तो वो ले सकते हैं समझ में आया सबको yes, तो अल्टीमेटली इट इज फॉर प्रिजर्विंग द प्लांट और यू कैन से प्रिजर्विंग द इंफॉर्मेशन ओके सो नेक्स्ट इज बोटैनिकल गार्डन अभी नाम का सबको फर्क समझा ऑफिशियल नेम दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉमन लोकल नेम और बोटैनिकल नेम ठीक है बोटैनिकल नेम मतलब ऑफिशियल नेम अब अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे और मेंजीफेरा इंडिका बोलोगे तो वो सबको समझ में आ जाएगा बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ मैंगो ठीक है Yes, miss. Okay. Miss, botany is also a study of plants, na? Kya bacha? Botany is also a study of plants, right? Botany is the only study of plants. Normally, kya hota hai? Aapka jo biology hai na, it is divided into two parts. One is botany and the another one is zoology. So, botany deals with the study of plants, whereas zoology deals with the study of animals. Animals. Yes, exactly. ठीक है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी बच्चा लोग एनी आइडिया एरिस्टोटल वेरी गुड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी एनी आइडिया थियोफ्रास्टस का नाम सुने हो कभी थियोफ्रास्टस इज द साइंटिस्ट दैट इज द फादर ऑफ बॉटनी And who is the father of zoology? Aristotle. Same. Aristotle. Yes. Aristotle is the father of zoology. Theophrastus is the father of botany. And Aristotle is the father of biology. Sabko samajh mein aaya? You want to write this? Yes. Likhna hai aap logo ko? Yes. Okay, write it. Done? Yes, miss. Yes, miss. Okay.
सो नाउ बच्चा लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज बोटैनिकल गार्डन. सुनो इसके पहले कभी नाम गार्डन तो सबने सुना होगा राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बोटैनिकल गार्डन एंड नॉर्मल गार्डन. मीन्स बोटैनिकल मतलब प्लांट्स का जगह क्या. बोटैनिकल गार्डन मतलब ऐसे होते हैं बच्चा लोग, बोटैनिकल गार्डन आर द प्लेसेस जहाँ पे जितनी भी वेराइटीज है ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की प्लांट को कलेक्ट किया जाता है पूरे अलग अलग पार्ट के वर्ल्ड के, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स को कलेक्ट करके यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन में ग्रो किया जाता है. अगेन इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी और गेटिंग इंफॉर्मेशन सेम. बट हर्बेरियम और इसमें क्या फर्क है बच्चा लोग, वहां पे आप लोग प्लांट को क्या कर रहे थे, ड्राई कर रहे थे. ड्राई करके उसको स्टिक करना मतलब यू आर किलिंग द प्लांट राइट. और यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन में आप क्या कर रहे हो, प्लांट्स आर इन वीवो कंडीशन. फर्क पता है आप लोगों को, दो कंडीशन होता है, एक होता है विट्रो एक होता है वीवो. टेस्ट ट्यूब बेबी पता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF. यस तो विट्रो मतलब होता है बच्चा लोग नॉन लिविंग कंडीशन और वीवो मतलब होता है आपका लिविंग कंडीशन. समझ में आया. यस यस मिस. सो बोटैनिकल गार्डन में द प्लांट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टेड एंड ग्रोन इन वीवो कंडीशन मतलब लिविंग कंडीशन में. इन गार्डन में अलग अलग वेराइटीज अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से उनको कलेक्ट करके यहाँ पे ग्रो किया जाता है फॉर स्टडिंग द मैनर. ओके मतलब वो प्लांट कैसा Miss, ग्रो हो रहा है, व्हाट इज द हैबिटेट. हाँ बच्चा बोलो. मिस मतलब उसको प्लांट्स को हर एक कंट्री से अलग अलग प्लांट्स को प्लांट्स ही लाके डायरेक्ट वो करते हैं ना. यस प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है ना छोटे छोटे प्लांट्स या फिर उनके सीड्स. जैसे तुम कहीं बाहर की कंट्री विजिट करने गए ठीक है, वहां पे आपको कोई नया टाइप का वेराइटी का प्लांट ही मिला तो आइदर यू कैन, देयर इज टू ऑप्शन, या तो आप पूरा प्लांट लेके आओ या फिर अगर उसकी सीड इफ पॉसिबल फॉर यू फॉर कलेक्टिंग द सीड एंड यहाँ पे आप लाके उसको ग्रो कर रहे हो बोटैनिकल गार्डन में. ओके मिस फिर वीवो का मतलब क्या है. वीवो मतलब लिविंग कंडीशन होता है ना. अभी इसके पहले जो हर्बेरियम आपने देखा था तो प्लांट्स दोनों का पर्पस क्या है, फॉर स्टडी राइट, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन बराबर. बट हर्बेरियम में हमने क्या देखा, हम प्लांट को किल कर रहे थे. वी आर प्रिजर्विंग इट बाय प्रेसिंग ऑन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेपर. जब आप पेपर में प्लांट को स्टिक कर दियो तो ऑब्वियसली आप उसको बाद में पानी वानी तो देने वाले नहीं हो करेक्ट. इट इज नॉन लिविंग कंडीशन. तो हर्बेरियम में आपके प्लांट्स कैसे थे, दे आर नॉन लिविंग. बट इट इज यूज फॉर द स्टडी पर्पज ओनली, फॉर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन. आपको इन्फॉर्मेशन लेने के स्टडी पर्पज के लिए ही काम में था बराबर. वीवो कंडीशन मतलब आपके प्लांट्स आर इन लिविंग कंडीशन. यहाँ पे आप एकदम प्रॉपर प्लांट को साइंटिफिक मैनर में ग्रो कर रहे हो. जैसे जैसे प्लांट का जो भी नीड है खाना पानी आप उसको सारी चीजें साइंटिफिक मैनर में प्रोवाइड कर रहे हो. और दोनों का पर्पस क्या है, बोटैनिकल गार्डन हर्बेरियम सेम, फॉर द स्टडी पर्पस फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन. बट हर्बेरियम इज नॉन लिविंग कंडीशन एंड बोटैनिकल गार्डन इज लिविंग कंडीशन. समझ में आया. हाँ मिस मिस मतलब विट्रो, मतलब विट्रो में उनको मतलब प्रिजर्व करके किया जाता है, इसमें ओरिजिनल करके मतलब जिंदा रख के उनको इन्फॉर्मेशन. यस विट्रो मतलब नॉन लिविंग. अब जैसे कि IVF जो आपने सुना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला जाता है, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा बेबी ग्रो करते हैं क्या. नहीं बट लेकिन जो ओवा जो स्पर्म और जो एग है ना उसका फ्यूजन कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है. तो टेस्ट ट्यूब आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है. इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो कंडीशन. समझ में आया. सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इन विट्रो होता है, इट इज नॉन लिविंग. तो बोटैनिकल गार्डन में वी आर कलेक्टिंग द प्लांट्स एंड ग्रोइंग इन अ लिविंग कंडीशन. उसको हम लोग खाना पानी सारा का सारा चीज एकदम साइंटिफिक मैनर में प्रोवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पे भी सेम जो इन्फॉर्मेशन होता है ना बच्चा लोग, लेबल. अब यहाँ पे भी जैसे कोई एक प्लांट है ठीक है, तो प्लांट के नीचे ना लेबल होता है और वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, जैसे कि कॉमन नाम क्या है उस प्लांट का. ओके बोटैनिकल नेम क्या है, बोटैनिकल नेम मतलब सेम वही साइंटिफिक नेम. इट इज अल्टीमेटली डन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी समझते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना समझते हो बच्चा लोग. तो अलग अलग प्रकार के सारे मतलब आपके जो भी प्लांट्स है दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. हरियाली बोलते हैं ना हम, जैसे आप किसी मतलब नॉर्मल ग्रीन वाले नेचर वाले प्लेस पे पहुंच जाते तो वहां पर कितने आपको अच्छे अच्छे वैरायटी के प्लांट्स दिखते हैं,
बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे आपको नेचर में अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स दिख रहे हैं. सो फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, आप बोटेनिकल गार्डन में आप चले जाओगे ना, तो आपको अलग अलग वेराइटी के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स देखने मिलेंगे जो और कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस, राइट? समझ में आया सबको? Yes, तो बोटेनिकल ने इसमें बोटेनिकल गार्डन जो है यहाँ पे भी दो है, प्लांट का कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम, और उसके अलावा प्लांट के कैरेक्टर्स. ओके, साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम आप दोनों बोल सकते हो. समझ में आया बच्चा लोग? yes, चलो हेडिंग दो अभी बोटेनिकल गार्डन का, और वहां पे बस एक लाइन लिखो. दिए हेडिंग? यस टीचर. वहां पे नीचे लिखो, बोटैनिकल गार्डन आर द प्लेसेस, बोटैनिकल गार्डन आर द प्लेसेस वेर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, plants of different varieties from different parts of the world, plants of different varieties from different parts of the world are collected and are collected and grown in a systematic vivo manner and grown with systematic in a vivo manner, मतलब लिविंग कंडीशन में. मिस एक बार पूरा फिर से बोलो. ओके, बोटैनिकल गार्डन्स आर द प्लेसेस वेयर द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कलेक्टेड एंड ग्रोन विथ सिस्टमैटिक इन अ वीवो मैनर, या फिर डायरेक्ट सिस्टमैटिक विवो मैनर लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, ग्रोन विद सिस्टमैटिक विवो मैनर, डन? यस. सबको समझ में आया बच्चा लोग? सो अल्टीमेटली बोटैनिकल गार्डन मतलब क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से यू आर कलेक्टिंग द प्लांट्स एंड ग्रोइंग हियर इन अ सिस्टमैटिक विवो मैनर, मतलब प्रॉपरली लिविंग कंडीशन में यू आर प्रोवाइडिंग द वॉटर, फर्टिलाइजर्स, मतलब जो भी चीजें चाहिए प्रॉपर इन अ सिस्टमैटिक मैनर आप उसको ग्रो कर रहे हो. समझ में आया? ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक एग्जांपल है कोलकाता में एक बोटैनिकल गार्डन है बच्चा लोग, जहाँ पे आपका एक बनियान ट्री का एज आपको पता है कितना है? 255 ईयर्स, जिसको ग्रेट बनियान ट्री बोला जाता है. ओके, तो अभी आपने जहां पे डेफिनेशन लिखा नीचे लिखो एग्जाम्पल करके लिखो आगे, बोटैनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता, एग्जाम्पल बोटैनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता कंसिस्ट ऑफ या फिर हैविंग, बोटैनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता हैविंग अ ग्रेट बनियान ट्री. ओके, एग्जाम्पल डैश करके लिखो, बोटैनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता इज हैविंग एन ग्रेट बनियान ट्री, अ ग्रेट बनियान ट्री that is 255 years old, that is 255 years
old. Done? Yes, yes, yes. अभी यहाँ पे बच्चा लोग अंडरलाइन कर लो, कोलकाता को अंडरलाइन कर लो, ग्रेट बनियान ट्री को अंडरलाइन कर लो 255 ईयर्स को. ओके, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. यस मिस. तो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, teacher. So we are done for today. Next lecture में we will continue. एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स देखा हमने, जिसमें से हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एजिंग प्रोसेस, राइट. और उसमें से कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग थिंग्स के निकाले, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस टू द सराउंडिंग. इसके अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. बराबर? Yes, yes, yes. Okay. उसके बाद हमने हर्बेरियम स्टडी किया. हर्बेरियम का पर्पस क्या होता है बच्चा लोग? इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी पर्पस, राइट. बट हर्बेरियम में और बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंस क्या? दोनों का पर्पस सेम है, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टडी पर्पस और यू कैन से फॉर प्रिजर्वेशन. अभी जैसे कि आप ये एग्जाम्पल से एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ईयर्स पुराने पुराने यहाँ पे प्लांट्स, राइट. तो 55 ईयर्स इज समथिंग, राइट. तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो. सो द डिफरेंस बिटवीन हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन इज, हर्बेरियम में वी आर ग्रोइंग द प्लांट्स, वी आर नॉट ग्रोइंग द प्लांट्स आर इन विट्रो कंडीशन. प्लांट्स को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको ड्राई कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और पेपर में क्या कर रहे हैं? माउंट कर रहे हैं, राइट. तो इट इज इन द इन विट्रो कंडीशन, वेयर एज बोटेनिकल गार्डन में वी आर कलेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और हम लोग उसको लाके बोटेनिकल गार्डन में ग्रो कर रहे हैं इन अ प्रॉपर साइंटिफिक विवो मैनर. समझ में आया सबको इतना? ओके, आगे का विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. चलो बच्चा लोग, एवरीवन टेक केयर. नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज रिवाइज द होल थिंग एंड कम. ओके, और होमवर्क करना मत भूलना. यस मिस. यस. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू मिस.